देखो मुंबई वाले कुछ भी कर सकते हैं, जिस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं वहां पे भी प्लांटेशन किए अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो एयरबैग आपकी गाड़ी के कोई काम के नहीं। YouTube में तो व्यू नहीं आ रहे, क्या करेंगे। सुबह सुबह मुंबई के लिए निकल रहे, एक दिन की शायद ट्रिप होगी, शायद लेट हो गया तो एक दिन कहीं रुक जाएंगे। तो चलो बॉम्बे की ट्रिप एक्सप्लोर करते हैं, बीच में लोनावाला भी आएगा, अच्छी वादियाँ भी आएगी, देखते हैं। थोड़ा उजाला हुआ है, हैरियर को थोड़ा आगे लेना पड़ेगा नहीं तो BMW निकलेगी नहीं। जय श्री कृष्ण, जय दादा। दोसी जी आ गए हैं, उनको पिक कर लिया है। मुंबई का मीटिंग आज खत्म हो जाएगा क्या, क्या लगता है? पॉजिटिव कुछ रहा तो रुकेंगे, आज ही रिटर्न हो जाएंगे, शाम को वापस पहुंच जाएंगे क्या? गाड़ी लेके? हाँ पॉसिबल नहीं, गाड़ी तो अपने को देना है सर्विसिंग के लिए। हाँ गाड़ी पुणे रख के आएंगे हम रिटर्न में, तो क्या दिक्कत है, गाड़ी देके आ सकते ना, ट्रेनें बहुत है, बहुत ट्रेन है, रिटर्न में ट्रेन में आएंगे और गाड़ी पुणे देके आएंगे। करीब 160 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है, भूख लगी है, अभी राजकुमार जी कहाँ खाना खिलाते हैं मालूम नहीं, कहाँ खिलाओगे? ये करकम आया है, छोलापुर पुणे के बीच में करकम है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये, यहाँ इसको केमिकल जोन बोलते हैं। सिप्ला जो मेडिसिन आती है इसका भी प्लांट यहाँ पे है। साउथ ट्रिप के बाद दोषी जी और मैं दोनों ही जा रहे हैं, बाकी हमारे टीम के तीन लोग अपने अपने धंधे पे लग गए। एक ट्रिप हो जाए रविशेट सीजन चालू होने से पहले उत्तराखंड का, बाय रोड। अभी बहुत रोड खराब हो गए यार, ये लैंडस्लाइड और ये उसकी वजह से ना। नहीं ऐसा कुछ, जा सकते हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं, एक ट्रिप हो जाए यार। ये देखिए सिप्ला, ये सिप्ला का बिल्डिंग है। ये एरिया में ज्यादातर शुगर मिल ही है, शुगर केन बेल्ट है ये, हमारा बिजनेस भी शुगर का है। वो शुगर फैक्ट्री शायद कैमरे में कैच ना हो पाए। बताओ क्या खाएंगे? इडली वड़ा खाएंगे। इडली वड़ा कोई है क्या यहाँ पे? ये तो मुझे लगता है कि कोई शादी की दावत में आया हो ना, ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा है, रेस्टोरेंट जैसा लग ही नहीं रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ऑर्डर नहीं है तो फिर इतनी देर से बैठे हैं हम लोग, कितनी देर हो गया मालूम है कि 5-10 मिनट हो गया आके। क्या है, उपमा है? उपमा मिलेगा। हाँ तो एक उपमा दो, आप क्या लेंगे? इडली वड़ा। एक इडली वड़ा, एक उपमा ले लो। और ब्रेकफास्ट हो गया है, अब निकलेंगे। बारिश चालू हो गई। सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है,
जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो। पैसेंजर ने भी, सिर्फ ड्राइवर ने नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेचारे का एक्सीडेंट होकर डेथ हो गया है, तो सभी ट्रैवलिंग करने वालों को हमारा यही आग्रह रहेगा कि पैसेंजर हो या ड्राइवर हो, सीट बेल्ट जरूर लगाए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो एयरबैग आपकी गाड़ी के कोई काम के नहीं, क्योंकि जब एयरबैग खुलता है तो वो सीटिंग पोजीशन जो रहती है उसी को वो सेव करता है, लेकिन जब आपकी गाड़ी को इम्पैक्ट होता है तो आप इधर उधर हो जाते हो। यही सीट बेल्ट लगेगा तो इधर उधर नहीं होगे, आप जगह पे आप रहोगे तो आपको एयरबैग प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आपको एयरबैग है गाड़ी में आपकी और उसका आप सोच रहे हो कि आपकी जान बचाएगा, तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ओके, सीट बेल्ट लगाना। ठीक है, समझ गया। वाओ, क्या लोकेशन है यार, कितना सुंदर दृश्य। एक्सप्रेस रोड पे लग गए हैं, मुंबई एक्सप्रेस रोड, पुणे मुंबई एक्सप्रेस रोड। अब एक्सप्रेस रोड पे वो ये खाना है ना, कोचिंबीर वड़ी खाएंगे ना, कोचिंबीर वड़ी खाएंगे, बहुत बढ़िया रहता है कोचिंबीर वड़ी। अरे ये इसमें वीडियो में आ जाता है यार। ये है, हाँ, मतलब इसलिए तो बॉम्बे वाले सैटरडे संडे वीकेंड भाग के यहीं आ जाते हैं। बॉम्बे की लाइफ बहुत हेक्टिक है, बेचारे ट्रैफिक में ही उनका जीवन बीत जाता है, तो जैसे ही दो दिन की छुट्टी कहीं मिलती है तो वो भाग के लोनावला खंडाला आके जाते हैं, पूरा ट्रैफिक यहाँ पे जाम कर देते हैं और यहीं पे पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। मतलब आखिर में उनके किस्मत में ट्रैफिक जाम ही है, ऐसी किस्मत है बॉम्बे वालों की बेचारों की, बहुत बुरा लगता है उनके लिए। लेकिन देखिए कितना मस्त ये लोनावला खंडाला, ये बारिश में अच्छा लगता है, गर्मी में तो ये पूरा पत्थर गरम गरम हो जाता है, बिल्कुल ग्रीनरी रहती नहीं यहाँ पे। लोनावला आ रहा है, लोनावला नीचे होगा, हम ऊपर से ब्रिज से निकल जाएंगे आगे। खंडाला पास करने के बाद एक अच्छे फूड कोर्ट है, वहाँ पे कोचिंबीर वड़ी खाएंगे लोग, कोचिंबीर वड़ी बहुत मज़ा आता खाने में, लोनावला बहुत मज़ा आता। हम डेढ़ घंटे पीछे चल रहे हैं, डेढ़ घंटा पीछे चल रहे हैं, और आगे भी बारिश अच्छी है, बॉम्बे में बारिश, मुंबई में भी बारिश, सॉरी मुंबई में भी बारिश जोर में रहेगी, वहाँ पे भी ट्रैफिक रहेगा। तो ये हमारा जो ट्रेन एक बार डिले होती है तो कैसे वो फास्ट ट्रेन को जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन डिले वाली डिले रहती है, और डिले होती है, वैसा हमारा होने वाला है आज। नहीं ये टूसन, ये अपना सेंटर फे, लोनावला आ गया है पूरा, मतलब लोनावला में जबरदस्त बारिश चालू है, पूरा बादल है। यहाँ पे यहाँ से लिफ्ट नीचे उतरेंगे तो लोनावला और सीधा मुंबई, यहाँ से मोड़ने का था, लोनावला नीचे है।
आवाज नहीं आ रही, बराबर आवाज नहीं आ रही। और ऊपर जा रहे हैं मुंबई। कहाँ से बात कर रहे हैं? लोकमान्य। हाँ लोकमान्य के बराबर, बराबर। ये देखिए ये डीवाई पाटिल स्टेडियम आया। आईपीएल खेली जाती है डीवाई पाटिल में, वैसे वानखेड़े में भी खेली जाती है लेकिन कोविड के समय में यहाँ पे खेली गई थी। हमारी मीटिंग खत्म हुई अभी 6 बजे, 6 और 5 मुंबई में ही रहना, रात को यहाँ घूमना या पुणे जाके गाड़ी देके रात को ही ट्रेन पकड़ के निकल जाना। क्या करना सोच रहे हैं? क्या करना है बताओ? पुणे जाना है नहीं, पुणे जाते हैं ना, बॉम्बे रुक के क्या करेंगे? आप अंदर जाओगे बहुत कुछ नहीं, रात तक तो अंदर ही। अच्छा तो पुणे जाने के लिए अभी अपना आए रोड से जाना है? आए रोड से जाना है। क्यों? तो फिर कहाँ से जाओगे? अभी ये यहाँ से मेन रोड निकल रहा है ना आगे आगे। हाँ बस मेन रोड पे चलना है फिर। हाँ तो उधर चेंबूर वाला रोड आ जाएगा। हाँ बस वहीं से जाएंगे ना। हाँ ठीक है चलो, तो फिर यहाँ लेता हूँ। चलो फिर तय हो गया है कि यहाँ से पुणे जाना। अगर रात को गाड़ी दे के हो सके तो रात की ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे। YouTube में तो व्यू नहीं आ रहे, क्या करेंगे? कमाई कुछ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग व्यू नहीं दे रहे तो YouTube वाले तो क्या कमाई देंगे यार। कुछ तो गरीब आदमी सोच रहा था कुछ कमाई हो जाए, लेकिन अब YouTube में तो व्यू नहीं आ रहे, क्या करेंगे? लोग बोल रहे कि करोड़ों की कमाई है यूट्यूब चैनल बना के, हमने तो चैनल बनाई व्यू नहीं आ रहे, 200-300-400 व्यू आ रहे बस। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाओ और व्यू 200-400। अब एक्चुअली यूट्यूब चैनल कमाई के लिए तो बनाया नहीं था, वो किसी ने बोल दिया यूट्यूब चैनल है क्या, और हमने जिस जिद में चैनल बना दिया और वीडियो डाल दिए। अब ऐसा हो रहा है कि हमें कोई व्यू का कोई टेंशन नहीं था, लेकिन दूसरे के व्यू देखते हमको जलन हो रही है कि जरा दूसरे के आ रहे हमारे क्यों नहीं आ रहे। हमें कोई कमाई तो करनी नहीं थी यूट्यूब से, अब क्या करेंगे बताओ। ये इंसान का जो स्वभाव रहता है ना कि उसको मिल रहा है हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ये स्वभाव हमको परेशान कर रहा है। नहीं तो मैं खुश था अपने बिजनेस में, भले दाल रोटी का ही मिल रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं वीडियो डालते रहूंगा, टेंशन मत लो, वीडियो डालते रहूंगा, जो भी घूमूंगा फिरूंगा। व्यू आए ना आए, आज का दिन पूरा ड्राइविंग में गया, मीटिंग में गया, आंखें पूरी खड्डे खड्डे हो गए। क्यों खड्डे खड्डे हो गए? सूज गई आंखें, नींद पूरी हुई नहीं रात को, आंखों में मेरे खड्डे दिख रहे भाई। अब जाके मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा घर पे जाके। ब्यूटी पार्लर जाए बगैर तो मुझे तो अभी फ्रेश लगेगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। फोन करके पूछू क्या उत्कर्ष को ब्यूटी पार्लर कहाँ का है? देखो मुंबई वाले कुछ भी कर सकते हैं, जिस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं वहां पे भी प्लांटेशन किए। देखिए कितना मस्त दिख रहा है, देखिए पीपल का भी पेड़ आया, प्लांटेशन का अच्छा है, पीपल का पेड़ का भी किया है ऊपर देखो। मतलब रहेंगे नहीं लेकिन शो तो अच्छा दिखना चाहिए, मतलब लुक वाइज बिल्डिंग अच्छी दिखनी चाहिए। भले आधी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का काम रुका हुआ है, कुछ डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है, कुछ लिटिगेशन में पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने फोन गया। गार्डनिंग किया है, वर्टिकल गार्डनिंग
क्या इसको बोलते हैं वर्टिकल गार्डनिंग, बढ़िया है ना। ये देखो ये जिंदगी मुंबई वालों के ट्रैफिक में ही जाने वाली, क्या पता कब बाहर निकलेंगे मुंबई से। मुंबई पुणे ये बड़ी बड़ी सिटियों में इंसान ट्रैफिक में ही फंसता रहता है। 10 बजे ट्रेन है, ये खंडाला के पहले फूड कोर्ट में रुके हैं, अब कुछ खा लेंगे क्योंकि जो हमारी 10 बजे की ट्रेन है वो तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ से अभी कम से कम 3 घंटा पुणे जहाँ हमें गाड़ी सर्विसिंग के लिए देनी है वहाँ पहुँचने में हो जाएगा, और फिर बाद में गाड़ी देख के रेलवे स्टेशन पहुँचना पॉसिबल नहीं है। 11 बजे के पहले रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच पाएंगे, तो अभी कुछ पेट पूजा कर लेंगे, भूख तो इतनी लगी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत खा लेंगे, फिर जाएंगे पुणे। पुणे जाके डिसाइड करेंगे कि गाड़ी देना है या फिर नॉन स्टॉप जाना है। अब कुछ ऐसा दिमाग में राजकुमार जी के दिमाग में थॉट आ रहा है, तो सोच रहे हैं कुछ ड्रिंक विंक लिया जाए, बियर लेंगे कि स्कॉच लेंगे, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं लेते हम शरीफ लोग हैं। कैलाश सरोवर, हाँ कैलाश सरोवर ठीक रहेगा, बैठ के भी खाने का है यहाँ पे, ओह ऐसा करेंगे, ओह वही ठीक रहेगा। चलो पाव भाजी खाए, पेट वैसे भी भरा हुआ था, थोड़ा बहुत टेस्ट किया, अब आइसक्रीम लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे कॉर्न में। तो फूड कोर्ट से अभी निकलेंगे पुणे तक, पुणे के बाद आगे का प्लान क्या होता है वो देखते हैं, अभी कुछ तय नहीं है। चलो जय श्री गणेश। पुणे उतरे हैं दीदी के घर पे, थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया, गाड़ी अभी नहीं दिया है, गाड़ी कल सवेरे देंगे, और कल सवेरे या दोपहर को जो भी ट्रेन मिलेंगे उससे सोलापुर जाएंगे। हाँ आइसक्रीम, ओह आइसक्रीम ऑलवेज, आइसक्रीम को मना नहीं करते हम, तो कल का दिन और पुणे में यहाँ पर रहना पड़ेगा, कल दोपहर तक जाएंगे। बहुत थक गए यार, पूरा एक गर्दन दुख रही है, पुणे वाले मुंबई वाले बेचारे आइसक्रीम ट्रैफिक में ही जिएंगे पूरा दिन। आइसक्रीम आइसक्रीम जीजा जी आइसक्रीम खिला रहे, आइसक्रीम खाएंगे वेनिला, लेकिन एक्चुअली मेरा फेवरेट है चोको चिप, वो नहीं मिलेगा। ठीक है अब क्या क्या बोलते हैं, जो है वही, जो भी है मिल जाए वो खा लेंगे, बस बस बहुत हो गया इतना, चलो गुड नाइट। टोटल मतलब जो भी आप करते हैं ना पूरा दिखाने का, कुछ चीजें छोड़ के। चलो भाई निकलते हैं। धूप नहीं रहती ना उस टाइम, सनरूफ पूरा खोल के रखते हैं, मतलब सिर्फ कर्टन खोल के रखते हैं, जब गाड़ी रात को पार्क करते हैं तो बंद नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। रखने की जरूरत नहीं। बोलो श्री हिंगलाज मात की जय। कैंप 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 कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कितना कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ू, सोलापुर नहीं जाने वाली गाड़ी, यहाँ से मुड़ लो, यहाँ मुड़ लो। आपने इसमें से मेमोरी कार्ड निकालना याद रखना, जब गाड़ी देंगे ना मेमोरी कार्ड के मैं भूल जाओ याद करना बस, क्योंकि उसमें काफी सारे रिकॉर्डिंग लिए हैं वो भी एडिटिंग में काम आएंगे।
ये लूडो करके है, प्रियोन कार का भी है और सर्विसिंग का भी है, मल्टी ब्रांड। यहाँ पे अपनी गाड़ी देने के लिए आए तो गाड़ी दे चुके हैं, अब यहाँ से निकलेंगे रेलवे स्टेशन। स्टेशन पहुँच गए हैं, चाय पीने के लिए रुके हैं। काफ़ी सारा यहाँ पे बदलाव हो गया है, रेलवे स्टेशन लगभग 2-3 साल से मैं पुणे में आया नहीं हूँ, बहुत बदलाव दिख रहा है। अब चाय पियेंगे, चाय बिस्किट खाएंगे, चाय बिस्किट लेंगे। लोग ट्रेन आ गई है, पिज्जा को मिल के टिकट बनवाना पड़ेगा क्योंकि हमने तो सिंपल टिकट निकाला है जनरल का। एसी में बैठने के लिए उसका भी टिकट तो बनवाना पड़ेगा, बनवा लेते हैं उसके बाद जर्नी स्टार्ट।